हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार एक्जिटा कटन और सिंटेक्स प्लास्टी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि एक्जिटा कटन का जो लोअर प्राइस रहेगा वो 25-26 के बीच में कैप में रहेगा। आप देख भी रहे हैं कि अभी 26 के रेंज में ये चल रहा है। उस समय कुछ लोगों को मजाक लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये और ज्यादा डाउन होगा, और ये मैंने अपने एनालिसिस पे बोला था। ये मैंने इसलिए बोला था कि इसका जो फंडामेंटल है वो हम लोगों को मजबूत दिख रहा था, यानी 300 करोड़ से ऊपर में था, 500 करोड़ से ऊपर में था, तो वो कंपनी इतनी जल्दी डाउन में नहीं आएगी। इसमें क्या हुआ था कि ऑपरेटर ने या फिर किसी ने बहुत बड़ा स्कैम झोल जाल करके कि पंप एंड डंप पॉलिसी के तहत कुछ शेयर परचेज किया, फिर जल्दी से जल्दी उसको सेल कर दिया, जिसके कारण इसका प्राइस डायरेक्ट 83 से डायरेक्ट नीचे चला गया और लोगों के बहुत सारे करोड़ों रुपए इसमें डूब गए थे। उसी तरह आप देख रहे होंगे कि सिंटेक्स प्लास्टिक अभी हाल फिलहाल इसमें मार्केट में शो नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि वो डीलिस्टिंग प्रोसेस में वो चला गया है। कुछ समय तक पहले तक 6-7 महीना पहले तक इस शेयर का प्राइस 7 रुपए के करीब में था, अभी हाल फिलहाल 135-150 के करीब में था। इसमें भी लोगों ने फ्रेश एंट्री ले लिया, जबकि बार बार बोला जा रहा था कि सिंटेक्स प्लास्टिक में आप एंट्री अभी मत लीजिए क्योंकि ये रिस्क जोन में है, और धीरे धीरे करते करते सिंटेक्स प्लास्टिक अभी डीलिस्टिंग प्रोसेस में चला गया। और आप लोगों को मालूम है डीलिस्टेड प्रोसेस में अगर चला जाता है तो फिर उससे कैसे पैसे निकाले, अगर नहीं मालूम है तो कमेंट में आप कीजिएगा, लिखिएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जब डीलिस्टिंग अगर कोई शेयर हो गया है तो फिर आप अपना पैसा कैसे उससे रिकवर करें। दोस्तों, जहां तक एक्जिटा कटन की बात है तो एक्जिटा कटन में अभी फ्रेश एंट्री के लिए मेरे हिसाब से रुकनी चाहिए, बाकी आप अपने जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप सलाह ले सकते हैं। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर आप थोड़ा रुकेंगे तो थोड़े से और ये डाउन हो सकता है, उसके बाद आपको फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, और जिन लोगों ने एंट्री ले लिया है उन्हें अभी कुछ दिनों तक इसमें होल्ड करके रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें सुधार आ सके, क्योंकि इसका फंडामेंटल जो है, मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है। इसलिए वैसे भी शेयर मार्केट रिस्क का बिजनेस है, इसलिए आप कोई भी शेयर में निवेश करें तो आप अपना पूरी एनालिसिस करें, पूरे सोच समझ के काम करें। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो डीलिस्टिंग शेयर हो गए हैं वो शेयर से हम लोग अपना रिकवरी कैसे करें, हमें कहाँ कॉन्टैक्ट करना होता है ताकि हमारे जो पैसे डूब गए हैं वो पैसे हम लोग रिकवर करें। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पांडे जी इंडिया वाले, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो एक दूसरे से समझ सके और सीख सके। थैंक यू।